नमस्कार, SS News 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जयपुर शिकापत इलाके में आज दोपहर दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने बैंक परिसर में फायरिंग कर दी। बैंक के दो सुरक्षा गार्डर्स को गोली मारकर बदमाशों ने 32 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस ने कार सवार हथियारबंद बदमाशों की धरपकड़ के लिए शहर भर में ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई है। गोली लगने से घायल बैंक के दोनों सुरक्षा गार्डर्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। DCP साउथ मनोज कुमार ने बताया कि वारदात शिकापत इलाके में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित ICICI बैंक की शाखा परिसर की है। घटनाक्रम के मुताबिक दोपहर करीब 1:45 बजे कैश वैन से बैंक में रुपयों को स्फीत किया जा रहा था। इसी दौरान कार में आए हथियार बंद बदमाशों ने हमला बोल दिया। वैन के पास खड़े सुरक्षा गार्ड पर फायर किया। सुरक्षा गार्ड के पेट में गोली लगने से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। इसी दौरान बैंक के सुरक्षा गार्ड ने जवाबी फायर किया तो बदमाशों ने उस पर गोली दाग दी। गोली लगने से जख्मी होने पर कार चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद बदमाश हथियार के दम पर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कराई और मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल दोनों सुरक्षा